बोले महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर बिरजानंद की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, वेद माता की। आज हम जिस महापुरुष को कृतज्ञता पूर्वक यहां पर स्मरण कर रहे हैं और हम कृतज्ञ हृदय से जो हमारी सनातन हिंदू वैदिक संस्कृति के पुरोधा हैं और आज जो सनातन वैदिक आर्य संस्कृति का गौरव काल चल रहा है जिनके नेतृत्व में, उन मोदी जी को भी कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हैं कि उन्होंने महर्षि दयानंद को इस रूप में याद किया। हमारे श्रद्धेय उपराष्ट्रपति जी, उनका नाम ही जगदीप है, वो जग में दीप की तरह प्रकाशित हैं और धनखड़ हैं, मतलब वैसे भी धनखड़ भी और धाकड़ भी हैं, माने उनमें अप्रतिम ऊर्जा है। एक बार उनकी ऊर्जा के लिए भी अभिनंदन है। सदा आनंदित रहते हैं, आह्लादित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हमारी श्रद्धामयी बहन सुदेश जी उनकी इन प्रसन्नता को बढ़ाती रहती है। और आज यहां जो उपस्थिति यहां और इसके अलावा दो हालों में और है, ये तो कम से कम यदि 1,00,000 लोगों का भी कार्यक्रम होता तो भी उपस्थिति होती, ये तो जगह सीमित थी। फिर आपकी असीम श्रद्धा है ऋषि दयानंद के प्रति, क्योंकि पिछले 200 वर्षों में जितने भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इस देश के एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए आंदोलन चले, उनकी न्यू महर्षि दयानंद ने डाली। इसलिए उस महापुरुष को हम कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं उनकी 200वीं जयंती पर। और अभी तो कार्यक्रम चल रहे हैं, अगले वर्ष जब महर्षि दयानंद की कृतज्ञता में उनके स्मृति के, उनके स्मरण के, उनको गौरव देने के 200 वर्ष पूर्ण होंगे तो लाखों लोगों के साथ एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में करेंगे। और जो महर्षि कार्यक्रम करना मकसद नहीं है, जैसा महर्षि दयानंद चाहते थे वैसा देश और दुनिया बनाने के लिए हम प्रचंड पुरुषार्थ करेंगे। एवं वर्धन्तोत्तराः कल्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणाः, जो सपना था महर्षि दयानंद का, मनोर्भव जनया दैव्यम जनम। महर्षि दयानंद कोई संप्रदायवादी सन्यासी नहीं थे, कोई नया मत पंथ घड़ने के लिए पैदा नहीं हुए, ना संप्रदायवादी थे और जातिवादी तो कतई नहीं थे, ना पलायनवादी थे, ना प्रमादी थे, पूर्ण वेदवादी, अध्यात्मवादी और राष्ट्रवादी सन्यासी थे। वो इस देश की एकता अखंडता और संप्रभुता के लिए, देश की आजादी के लिए दीनहीन दुखी दरिद्र जिनको अछूत कहकर के, शूद्र कहकर के अपमानित किया जाता था, इस देश में महर्षि दयानंद से पहले भी महापुरुषों ने यद्यपि पुरुषार्थ किया। ऐसे संत कबीर साहब को, संत रविदास जी को, और साउथ के हम एक महान साधु वसवन्ना जी आदि को सबको प्रणाम करते हैं। लेकिन सारे समाज सुधारकों को यदि एक ढांचे में ढाल दिया जाए और उससे कोई व्यक्तित्व, कोई महामाया उत्पन्न होता हो, उसका नाम महर्षि दयानंद है, जिन्होंने कोई समाज का ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने क्रांति नहीं की। लोग कहते थे इसी सूत्रों ने दिया ताम, ये ना कोई वेद वाक्य है ना किसी महापुरुष का वाक्य है, ये कुछ लोगों ने अपनी भड़ास निकालने के लिए महर्षि दयानंद ने एक बात कही। इस देश का दुर्भाग्य रहा जो संस्कृत में लिखा उसको संस्कृति मान लिया, यह किसी महापुरुष का वचन नहीं था। स्त्री शूद्रों ना धीयताम के विरुद्ध जाकर के स्त्री और शूद्रों को वेद किसी ने पढ़ाए तो महर्षि दयानंद, मात्र वेद की बात नहीं समानता का दर्जा दिया। आज समानता की बात चारों ओर गूंज रही है, लेकिन मात्र स्त्री और शूद्र की बात नहीं, सब मनुष्य एक ईश्वर की संतान है, सब मनुष्य में एक समान आत्मा है, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दलित आदिवासी वनवासी पूरा विश्व का कोई भी व्यक्ति है, सब एक ईश्वर की संतान है। ये उद्घोष करने वाले महर्षि दयानंद, कोई भेदभाव नहीं, सारी भेदभाव की दीवारें जिन्होंने ढा दी, पूरी मानवता को एक सूत्र में बांधा और वेदों की ओर अपनी जड़ों से जोड़ने का बहुत बड़ा प्रचंड पुरुषार्थ किसी महापुरुष ने किया तो महर्षि दयानंद। पराधीन भारत में आज
कोई कुरान की चाहे उनकी गलत व्याख्या हो या उनके जो भी कुछ हो भाई, इसमें ज्यादा हम भूलना नहीं चाहते, हमारे धनखड़ जी के ऊपर कोई समस्या ना आ जाए, लेकिन कुरान की गलतियों को भी महर्षि दयानंद ने मुगलों के राज में खोला और सत्यार्थ प्रकाश में, बाइबिल के जो भी गलतियां थी, जो उनकी गलत व्याख्याएं कर रहे थे या उसको जो भी कहो, सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने साहस पूर्वक अंग्रेजों के राज में भी जो कुछ बाइबिल के अंदर या बाइबिल की व्याख्याओं के अंदर गलत लिखा हुआ था समाज के सामने रखा, और तमाम मतपंथ संप्रदायों में जिस समाज में वो पैदा हुए, खुद एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होकर के किसी एक जाति विशेष ने भी पाखंड किया तो उसके ऊपर भी प्रहार करने का साहस महर्षि दयानंद ने किया। कोई उन्होंने इस मामले में सत्य के साथ कोई समझौता नहीं किया, सत्य की कोई के कोई प्रचंड इस दुनिया के लिए आदर्श हो सकते हैं तो महर्षि दयानंद है, और सत्यार्थ प्रकाश उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज मैं यदि आपके सामने खड़ा हूं तो सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रोडक्ट हूं, महर्षि दयानंद की बदौलत। ये अलग बात है कि हमने युग धारा के अनुरूप थोड़ा सहता सहता सा लोगों के ऊपर चोट की है, बड़ा कई बार प्रहार भी इतना गहरा हो जाए कि घाव भरे ना तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हम धीरे धीरे करके सारे घाव भर रहे हैं। और महर्षि दयानंद जैसा चाहते थे वैसा भारत बनाने के लिए अपने अपने स्तर पर आप सब भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब मुझे डॉक्टर सत्यपाल जी एक बार इस महायुद्धा के लिए अभिनंदन है, जब पुलिस में थे तब भी ऐसे झंडे गाड़ते थे, मुंबई में पहुंचे तो भी झंडे गाड़ते रहे, और अब भी सत्य फाउंडेशन के द्वारा झंडे गाड़ ही रहे हैं। इन्होंने एक किताब लिखी थी आज से 25 साल पहले, जब मैंने पढ़ा इंसान की तलाश में, और इंसान तो मिला हो या ना मिला हो सत्यपाल हमें जरूर मिल गया, ये भी इंसान की तलाश का। और आज भारत की संसद में भारत और भारतीयता के वेदों के स्वर के उद्गाता के रूप में, महर्षि दयानंद के शिष्य के रूप में पूज्य स्वामी हमारे सुमेधानंद जी और हमारे डॉक्टर सत्यपाल जी का एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। यह हमारे ऋषि संस्कृति के ध्वजवाहक है, हमारे श्रद्धेय चिदानंद जी मुनि जी महाराज, इनके पिताजी भी आर्य समाजी थे, हमारे पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज जो हमारे अखाड़ों के बहुत बड़े महापुरुष हैं और जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर, उनके पिताजी भी आर्य समाजी थे, श्री श्री रविशंकर जी भी आर्य समाज से ही निकले और तब जाकर के कुछ तर्क और कुछ विवेक उनके अंदर जागृत हुआ। आज जो है जितने भी महापुरुष हैं, कौन किसका नाम ले, आज इस देश के जो सबसे बड़े हम सब के आशा और विश्वास के प्रतीक हैं, हमारे श्रद्धेय मोदी जी भी महर्षि दयानंद के विचारों को जीते हैं, हमारे अमित शाह जी, कौन ऐसा व्यक्ति, कौन दुनिया में कोई भी प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति होगा वो महर्षि दयानंद से प्रभावित और प्रकाशित हुए बिना रह नहीं सकता। तो खैर अभी मैं तो थोड़ा सा अपने अंतर के भाव कहने के लिए आया था, महाराज जी इधर बगल में आके खड़े हो गए, तो धनखड़ जी ने कहा कि सुनना तो मैं भी बहुत चाहता हूं लेकिन समय की मर्यादा है, लेकिन मैं बस कोई भाषण देने के लिए नहीं आया, मैं तो एक बात कहने के लिए आया हूं। महर्षि दयानंद जो वेदों का गौरव देखना चाहते थे, मैं उसको चार पांच शब्दों में कह रहा हूं, उस वेद संस्कृति, योग संस्कृति, उस सनातन संस्कृति, उसका गौरव हम देश में नहीं, अब तो वैदिक सनातन धर्म का झंडा और गौरव हम पूरी दुनिया में दिखाएंगे, गाड़ेंगे झंडा, वो वक्त आ गया। और इतनी बात कह करके उस स्वाधीनता के सबसे बड़े उद्गाता, नव जागरण के पुरोधा जैसे डॉक्टर सत्यपाल जी कह रहे थे, और सारी सामाजिक क्रांतियों के प्रणेता जैसे हमारे आदरणीय श्री देवी सिंह जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए, उनके महर्षि दयानंद के प्रति जो उनकी श्रद्धा और कृतज्ञता है। तो खैर मैंने कहा आज हम उस ऋषि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने आए हैं, और यहां सर्व समाज के व्यक्ति हैं, और इस समय जो भी लोग अज्ञान के आग्रहों के दुराग्रहों के वशभूत होकर के
सत्य सनातन वैदिक धर्म पर जो लांछन लगाते हैं, एक बार कोई महर्षि दयानंद को पढ़ लेगा तो वो कम्युनिस्ट भी आर्य समाजी बन जाएगा। ये जो पूरी दुनिया में बौद्धिक आतंकवाद फैलाते हैं कुछ ऐसे खड़ूस लोग, वो एक बार महर्षि दयानंद को पढ़ ले तो वो हमारे वैदिक धर्म पर, सनातन धर्म पर सभी लांछन लगाना बंद कर देंगे। मैं आपको एकदम सीधी सीधी बात बोल रहा हूं। ऐसा एक महान महामानव हमारी एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। बस नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।